नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटी, आणविक वेगों का वितरण। मैम, पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था कि जो अणुगति सिद्धांत के आधार पर येसों के नियम की किस तरह व्युत्पत्ति हम कर सकते हैं। तो आणविक वेगों की जब से बात की जाती है, तो जब भी एक एक्सपेरिमेंट हमने चित्र किया था, गैस के सभी अणु समान वेग से गति नहीं करते। अपन कहते हैं कि सबका मोमेंट अलग अलग होता है, गति सबकी अलग अलग होती है। अणु की परस्पर और पात्र की दीवार पर टक्कर के फलस्वरूप उसके वेग में विनिमय होता है, मानी वेग में एक्सचेंज होता है। या तो वेग बढ़ जाएगा या घट जाएगा, अर्थात कुछ अणु का वेग बढ़ जाता है और कुछ का वेग घट जाता है। अतः सभी अणु भिन्न भिन्न वेगों से गमन करते हैं, मानी उनका वेग की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग हो जाती है, अलग अलग वेग से गमन करने लगते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा भी चेंज होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब वेग वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा भी उनकी चेंज हो जाएगी। अणु के मध्य वेग के वितरण को समझने के लिए प्रायिकता सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, जो कि जेसी मैक्सवेल ने 1860 में नियम दिया, जिसमें आणविक वेगों के वितरण का नियम भी, इसको हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिकुलर वेलोसिटी, कि अणु अलग अलग अणु किस तरह वेलोसिटी किस किस वेलोसिटी में मूवमेंट करते हैं। इस नियम के अनुसार गैस के अणु किसी भी दिशा में शून्य से लेकर अनंत तक किसी भी वेग से गमन कर सकते हैं। वेग पिक्स नियम, वेग किसी भी वेग से गमन कर सकते हैं। ये गणितीय रूप में नियम प्रकार से, जिसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो क्या करेंगे, 1/n dn/dc, नंबर कितने भी डेंसिटी ऑफ उसकी डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और डेंसिटी ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 4πm/2rt3/2 emc²/2rt²। यहाँ पर जो n है अणु की कुल संख्या को रिप्रेजेंट करता है, c अणु की वेग को रिप्रेजेंट करता है, dc जो वेग के अल्प परिवर्तन को डिनोट करता है, dn/n अणु के भिन्न उसका वेग c और c+dc के मध्य को रिप्रेजेंट करता है, m अणु का गैस का अणुभार को रिप्रेजेंट कर रहा है, r गैस स्थिरांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, t परम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, E जो उसको बोलते हैं कि नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैक्सवेल को जो सिद्धांत है उसको अगर समझने के लिए हम ये जनरली देखते हैं कि इसमें एक अलग एक तरह का उसने एक डायग्राम रिपोर्ट किया। वो डायग्राम इस तरह का था कि वेलोसिटी C1 C2, α1 α2 α′s, अलग अलग वेलोसिटी उन्होंने देखी। उसी तरह से N1 N2 मॉलिक्यूल्स अलग अलग हुए। इस तरह से टेम्परेचर T1 T2 T3, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर इनकी स्टडी देखी। आरेख देखा हमने ABC, तीन आलेख की बात की, अर्थात कि इसमें देखा कि एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अलग अलग रिप्रेजेंट करता है, T1 T2 T3 10 टेम्परेचर है, T3 इज लेस देन T2 लेस देन T1, मानी T1 सबसे कम है, T3 सबसे ज़्यादा है। तो इसका हमने जब वेलोसिटी हमने देखी तो ये जो इसका जो टॉपेस्ट हमने जो स्थिति देखी वो किसके साथ देखी, T1 के साथ जो इसको बोलते हैं हम प्रायिकता वेग, प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता वेग। और ये जो है ये सबसे डाउन कि एक वेलोसिटी ये होगी कि ये वेलोसिटी इसकी होगी, एक वेलोसिटी ये होगी कि अलग अलग अणु अलग अलग वेलोसिटी के अणु से गमन कर रहे हैं, माने कि उनकी वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वेलोसिटी में परिवर्तन उनका होता रहता है। वेलोसिटी में जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि स्थिर ताप पर प्राप्त इन आलेखों को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बहुत कम अथवा बहुत अधिक वेग वाले अणुओं का अंश बहुत कम है। देखो, बहुत लो लेवल पे और बहुत हाई लेवल पे जब बात करते हैं तो या तो ऊपर टॉप पे जाने वाले बहुत कम अणु हैं और नीचे वाले बहुत कम, लो वेग वाले बहुत कम हैं। लगभग शून्य वेग वाले अणु का अंश भी बहुत कम है। ऐसा भी कोई नहीं है कि जिसमें शून्य वेग देखने को मिलता है। जैसे जैसे वेग का मान बढ़ता है तो उस अणु के अंश का मान भी बढ़ता जाता है। वेग बढ़ेगा, अंश का मान भी बढ़ता जाता है, अर्थात अधिकतम मान को प्राप्त करने के लिए फिर तेजी से कम होने लगता है। मानी कि आरेख ही बता रहा हमारे को, ये आरेख को हम देख रहे हैं कि पहले तो बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ये देखो ये धीरे से ऊपर। तो ये जो वेलोसिटी के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए ये देखा गया, तो इसमें देखा कि लगभग शून्य वेग वाले अणु का अंश भी बहुत कम होता है और जैसे जैसे वेग का मान बढ़ता जाता है तो उन अणु का अंश का मान भी बढ़ता जाता है, अर्थात अधिकतम मान को प्राप्त करने के बाद फिर तेजी से शून्य होने लगता है, मान तेजी से कम होने लगता है। वेग के अधिकतम मान के लिए ये अंश लगभग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है।
किसी ताप पर अधिकांश अणु का जो वेग होता है उसे प्रायिकता वेग कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी। इस वेग का जो उच्चतम जो टॉपेस्ट वाला जो पॉइंट जो मिल रहा है हमें उसको इससे डिनोट करते हैं। इसी तरह से जो असीमित वक्र मिल रहा है, सीमित वक्र असीमित होता है मतलब कि नीचे की तरफ दिख रहा है, अतः अणु के प्रायिकता वेग एवरेज वेग को दोनों डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारा वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी जो है प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी होगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी होगा, ऐसा नहीं होता। यदि तीन भिन्न भिन्न ताप T1, T2, T3 पर वितरणी वक्रों की तुलना करें तो हम ये देखते हैं कि अणु की प्रायिकता वेग के मान में वृद्धि होती है, यानी अल्फा अल्फा डैश अल्फा डबल डैश ऐसे से उनका मान बढ़ता जाता है। ताप बढ़ने के साथ साथ वितरण वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है और वक्रों की ऊंचाई कम होने लगती है। अणु के अंश में जो विभिन्न वेगों से गति करता है उसके वेगों का अंतर कम होता जाता है। वक्र का चौड़ा होना यह दर्शाता है कि ताप उच्च ताप पर ज़्यादातर अणु का वेग सामान्य से अधिक होता है। इससे हमें दिख रहा है कि जो बिंदु P1 है, P1 जो संगत वेग के लिए विचार करें तो उसकी बात करते हैं, तो संगत वेग को समझने के लिए इनके लिए संगत बिंदु होगा T1 ऐसे T2 T3 ये अलग अलग के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो ये प्रायिकता वेग को जो डिफाइन करता है तीनों अंशों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि अधिक ताप पर अधिक वेग रखने वाले अणु का अंश भी बढ़ता जाता है। यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ कि आणविक वेगों का वितरण की जैसे बात करते हैं कि जैसे ये टॉपेस्ट पहुँच गया, ये मिडिल में रहा, ये डायलेट मानी ये टॉप पॉइंट जो पहुँच रहा है ये प्रोबेबिलिटी, और बीच में अणु का जो जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है वो एवरेज वेलोसिटी हो गई। एवरेज वेलोसिटी को इसके द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास में इसके द्वारा ये मह इस वक्र के द्वारा आणविक वेगों के वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन लॉज के अकॉर्डिंग भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।